नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज दिन भर की ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इनसे प्रश्न सीधे सीधे बनेंगे और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग महज एक हफ्ते में 10 लाख एकड़ तक फैल चुकी है और इस आग की चपेट में आने से 700 घर जल गए हैं और करीब 5 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आपात स्थिति से निपटने को संघीय सहायता देने की बात कही है। अगली खबर है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब के 23.5 करोड़ यूजर्स का जो डेटा है वो लीक हो गया है और इस बात का दावा किया है प्रो कंज्यूमर वेबसाइट कंपनीटेक ने। उन्होंने उनके जो रिसर्चर हैं, सिक्योरिटी रिसर्चर, उनका दावा है कि गूगल के यूट्यूब, फेसबुक के इंस्टाग्राम और टिकटॉक के 23.5 करोड़ यूजर्स का जो डेटा है वो डार्क वेब पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यूजर्स का जो फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, फोटो है, सब कुछ इसके तहत लीक किया गया है। तो आपको मेरी सलाह यही होगी कि आप जो भी यूज करते हो उसका पासवर्ड आप बदल दें, पासवर्ड थोड़ा सा लंबा रखें और न्यूमरिक रखें ताकि इसके लीक होने की संभावना और इसके टूटे जाने की संभावना बहुत ही कम रहे। क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा और रोहित शर्मा से पहले यह सम्मान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को मिल चुका है। और इस वर्ष रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगवेलु, मनिंदा बत्रा और रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार बन गए हैं नए चुनाव आयुक्त। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पूर्व वित्त सचिव थे राजीव कुमार, अब उनको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और गांधी जी का जो चश्मा है वो नीलाम हुआ है और उसकी कीमत लगी है 2.55 करोड़ रुपए और इस चश्मे को अमेरिका के एक कलेक्टर ने खरीदा है। ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस ने कहा है कि चश्मे के मालिक ने इसे हमारे लेटर बॉक्स में डाल दिया था। उन्होंने जब चश्मे के मालिक से संपर्क किया तो चश्मे के मालिक ने बताया कि 1920 में उनके परिवार का कोई सदस्य दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिला था, जिनसे यह चश्मा उनकी अगली पीढ़ी को प्राप्त हुआ और अब वो इस चश्मे को ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस को दे रहे हैं, जिसे ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस ने नीलाम किया और इस चश्मे की कीमत लगी 2.55 करोड़ रुपए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में सितंबर के लास्ट में यानी कि अंतिम सप्ताह में जो प्रवेश परीक्षाएं होंगी उनका आयोजन किया जाएगा और ये जो परीक्षाएं होंगी वो 7 अक्टूबर तक पूरी हो जाएंगी। जो कंटेनमेंट जोन से छात्र आएंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनको अनुमति प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय शासन और प्रशासन को पत्र लिखेगा। और चलते चलते आपको बता दें कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी कर दिया गया है और ये जो इंडेक्स है इसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। भारत 2019 में था 79वें स्थान पर, 2020 में भारत आ गया है 105वें स्थान पर। भारत के पड़ोसी और निकटतम प्रतिद्वंदी चीन को 124वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर है हांगकांग, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होगा। रोज रात 9:30 बजे ये सेशन आपके लिए आया करेगा अगर आपका समर्थन मिलता रहा तो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।